अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्ते किसान बंधु, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान बंधु, आज आपसे हमारी बात होगी गाय भैंस में एक बीमारी होता है मुँहपका खुरपका रोग, जो कि जाड़ा के मौसम में और गर्मी के मौसम दोनों मौसम में अधिक होता है। खुरपका मुँहपका रोग बहुत खतरनाक बीमारी है पशुपालक में। इसमें मवेशियों का बहुत श्राद्ध होता है, इसमें फीवर हो जाता है, चारों पैर में घाव हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पशु चारा दाना कम कर देती है, दूध का मात्रा घट जाता है, दिन प्रतिदिन पशु कमजोर होने लगती है, बहुत दिनों तक ये बीमारी चलता है पशुपालक में। इसके बचाव के विषय में आज बात करूँगा, इसके कैसे आप बचा सकते हैं इस बीमारी को, हमारे मवेशी में खुरपका मुँहपका रोग FMD जिसको भी इंग्लिश में कहते हैं, जो कि माउथ मुंह और पैर दोनों पकड़ता है, इसीलिए इसको FMD कहते हैं। ये दोनों बीमारी ऐसा है पशुपालक भाई, इसमें मवेशी 100% अगर ढंग से इलाज नहीं कराइएगा, रख रखाव नहीं कीजिए तो मवेशी मर जाती है। आज रख रखाव के विषय में बता रहा हूँ पशुपालक भाई। खुरपका मुँहपका अगर पता चल जाए कि आपके कोई मवेशी में हुआ हो तो आपको क्या करना है कि जो मवेशी में हुआ है उस बीमारी उसको बाढ़ से अलग कर देना है, बहुत दूर कर देना, चारा दाना भी अलग देना है, उसको अलग से ही हर व्यवस्था कर देना, खाने पीना रहने का। नहीं तो अगर साथ में रखिए जाए तो ये छुआछूत का बीमारी है, एक मवेशी ने दूसरे से तीसरे से सारा बाढ़ में जितने भी आप पास पशु रखे हैं सब में ये बीमारी फैल जाएगी। इसलिए पशुपालक भाई, आप लोगों को मुँहपका खुरपका रोग से बचाने का पहला उपाय करना है, जिस मवेशी में हुआ उस मवेशी को, इस बीमारी में हुआ है उसको अलग कर देना है। उसके बाद दूसरा बता देता हूँ पशुपालक भाई, चारा दाना जो चारा खिलाते हैं उसको स्वच्छ चारा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप गए बाहर से आओ, घास काट कर आए, उसमें शीत पड़ा हुआ है या उसमें कीड़े मकोड़े बरसात के पड़े हुए हैं उसको खिला दीजिए तो ये बीमारी हो जाएगी। बरसात के मौसम में अधिकतर आप लोगों को हरा चारा नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो वहीं ऊंचे स्थान पर जो हरा चारा है, जैसे बरसीम है, जौ है या बाजरा है, इस तरह का चारा दे सकते हैं। लेकिन बहुत पशुपालक भी क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, धान का पौधा लगा है उसमें से घास काट कर लाते हैं और जो घास पर कीड़े मकोड़े रहते हैं या कीटनाशक का छिड़काव किया होता है उससे भी बीमारी फैलता है। इसलिए पशुपालक भाई, आप लोग बरसात के मौसम भर आप लोगों को घर का ही सूखा चारा दाना, पशु आहार, दलिया, भूसा, खरी खिलाइए, इससे आपके मवेशी में खुरपका मुँहपका रोग नहीं होगा। पशुपालक भाई दूसरा बात बताऊँ, पानी स्वच्छ पिलाना चाहिए मवेशी को। कब भी मवेशी आप रखे हैं, गाय बच्चा दी है, भैंस बच्चा दी है, बछड़ा बछड़ी, सबको स्वच्छ पानी, ताज़ा पानी चला कर पिलाइए। हमारे भाई क्या करते हैं पशुपालक भाई, कि नाद में पानी या बाल्टी के पानी रखे हुए हैं, सुबह का पानी शाम का पानी सुबह, इस तरह जिस तरह आप स्वच्छ पानी पीते हैं उसमें मवेशी को भी पानी पिलाइए। रख रखाव कीजिएगा तो आपकी मवेशी को जो बाढ़ है उसको साफ रखिए, फिनाइल का तेल हमेशा मारते रहिए, रोज सुबह एक बार मार दीजिए, फिनाइल के तेल से धो दीजिए पूरा बाढ़ को, रख रखाव सफाई कीजिएगा तो खुरपका मुँहपका रोग से आप बच सकते हैं पशुपालक भाई। हम लोग का हमारा आज वीडियो बनाने का यही मकसद है, आप लोग मवेशी को साफ सुथरा जगह पर रखिए, स्वच्छ वातावरण में रखिए, स्वच्छ खाना दीजिएगा, मवेशी स्वस्थ रहेगी, ये रोग नहीं होगा। किसान बंधु, अगले बार फिर आऊँगा किसी पशु संबंधी बीमारी विषय बताता रहूँगा, आपका सुझाव भी लेता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।